बात होने जा रहा है और क्या होने जा रहा है? तो कल जो कार्यक्रम है उसमें पहला तो है कि हमारा एक वेसल है MV लाल बहादुर शास्त्री, उसमें लगभग 200 मीट्रिक टन चावल फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का लोड होके बांग्लादेश के थ्रू गुवाहाटी तक जाएगा, पटना से पांडू टर्मिनल जो गुवाहाटी का टर्मिनल है, और ये हो जाएगा तो हमारा ये कोशिश रहेगी रेगुलर सर्विस चलती रहे। और ये बांग्लादेश होके हुए जाएगा तो इसमें सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे मंत्री, पीयूष गोयल जी जो फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के मंत्री है, बांग्लादेश का कोऑपरेशन है उनके मंत्री, इसके अलावा यहाँ के सरकार के दो उप मुख्यमंत्री जी, यहाँ के मंत्री जी और दोनों सांसद जो है ये रहेंगे। इसके बाद कालूघाट जो टर्मिनल बनने जा रहा है उसका फाउंडेशन स्टोन अनवील होगा, और जो हमारा IV वेसल बिल आया है, एक्ट आया है, उसके तहत पर्सनल की ट्रेनिंग के लिए जो मॉड्यूल्स हैं निनी में वो रिलीज़ किए जाएंगे, इससे इस क्षेत्र के जनता को फ़ायदा मिलेगा। सर क्या क्या है उसमें और क्या क्या उसमें सामग्री आ रही है यहाँ पर? ये जो यही बताया मैंने आपको, यही जाइए। हाँ। और भी कुछ विशेष है? यही है, यही है। हाँ। इस जहाज में FCI का खाद्यान्न है और ये हल्दिया के रास्ते होते हुए बांग्लादेश के रास्ते से होते हुए पांडू जाएगी जो कि गुवाहाटी कहलाता है। क्या है इसके अंदर? चावल है। वो यहाँ से भेजा जा रहा है, वो पटना से गुवाहाटी तक करीब 200 टन चावल है जो जलमार्ग के माध्यम से जाएगा। ये हमेशा चलेगा कि बाद में फिर? ये अभी हम पायलट मूवमेंट कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये पायलट मूवमेंट सक्सेस होने के बाद इसको रेगुलर रूप में FCI चलाएगा। अपना परिचय दीजिए। जी, अपना नाम? मेरा नाम रविकांत है, मैं मुख्य अभियंता हूँ जलमार्ग।